हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 31 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो 29 को संडे था, 30 को 5 आर्टिकल लिए, 31 को भी 5 आर्टिकल ले रहा हूँ क्योंकि पार्लियामेंट्री सेशन खत्म हो गया है और कुछ खास न्यूज़ नहीं आ रही। लेकिन फिर भी मैंने इसीलिए 6 आर्टिकल से स्टार्टिंग की थी पीआईबी में, ताकि क्योंकि इतने आर्टिकल्स आते नहीं डेली पीआईबी में और करंट अफेयर्स में भी कुछ कवर हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब जैसे कोई एक्सरसाइज हुई उसको पीआईबी में लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई इवेंट हुआ उसको पीआईबी में लेने का मतलब नहीं है। हालांकि बिम्स्टेक की मीटिंग को मैंने दोनों जगह लिया है, करंट अफेयर्स में भी, इसमें भी। करंट अफेयर्स में किसने उसको इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया, इंडिया को, ये सब कुछ लिया है मैंने। देखिए, आइकॉनिक वीक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा मनाया गया 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक। देख लेते हैं आइकॉनिक वीक। आज़ादी की 75वीं सालगिरह इंडिया मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस दौरान आइकॉनिक वीक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा मनाया गया। इस दौरान दो चीज़ें इनॉग्रेट की गई। पहली बात तो ई फोटो एग्जीबिशन, जो कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का था। दूसरा पोस्टर एग्जीबिशन चित्रांजलि @75, दोनों को इनॉग्रेट किया अनुराग सिंह ठाकुर। देखिए, ई फोटो एग्जीबिशन क्या था, जब हमारा संविधान बन रहा था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे इस पर, है ना, 63 लाख को समथिंग 64 लाख खर्च हुए थे। इस दौरान जितनी फोटोज पिक्चर्स क्लिक की गई थी उनका एक एग्जीबिशन डाला गया। साथ ही साथ आइकॉनिक वीक के दौरान दूरदर्शन ने कई सारी मूवीज़ को वहाँ पर दिखाया। NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उन्होंने अपने OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। और आइसलैंड सिटी जैसी फिल्म दिखाई गई, ये तो नहीं पूछेंगे। NFDC का अपना OTT प्लेटफॉर्म क्या है, ओवर द टॉप www.cinemasofindia.com, ये है इनका प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म इंडिया में, आपको बताइए, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, आपको बताने की जरूरत है नहीं। इंडिया में तेजी से ग्रो हो रहा है OTT मार्केट, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग मार्केट। 2024 तक वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी इंडिया OTT के थ्रू ये सब स्ट्रीम करने वाला। OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंडिया में टोटल वैल्यू होती है इसकी 35 बिलियन इंडियन रुपीज। इंडिया में 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं, यानी 50 करोड़ के आसपास, 500 मिलियन यानी 50 करोड़ के आसपास ही हुआ, ठीक है। तो 8% की ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है इंटरनेट यूज़र बढ़ते हैं, लेकिन पॉपुलेशन जब डिक्रीज हो जाएगी तो इंटरनेट यूज़र घटेंगे। खैर, जनवरी 2019 तक बात की जाए तो 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो थे वो सेल्फ रेगुलेटरी कोड इन्होंने अपनाया था और कहा था 5 तरह के कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये हैं 5 तरह के कंटेंट जिसके लिए, ये देखिए आपने देखा, उनका नाम नहीं याद रहा मैंने, शिल्पा सिटी के हस्बैंड OTT प्लेटफॉर्म का ही यूज़ कर रहे थे वो लोग किसी भी ऐसे इलीगल कंटेंट को बनाने के लिए। तो इंडिया में इसमें 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जिन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स लिए हैं 5 तरह के कंटेंट को रोकने के लिए, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म के लिए कोई रेगुलेशन तो है नहीं इंडिया में, जो मन होता है वो डाल देते हैं आप। अगला देखिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब मनाया गया, 30 अगस्त को, करंट अफेयर्स में पढ़ाया हमने। MSMEs किसी भी कंट्री की रीढ़ होती हैं। इंडिया में लगभग 6.3 करोड़ MSMEs हैं, जो कि टोटल एक्सपोर्ट की बात किया है 45% एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी अगर हम लोग देखना चाहें तो कुछ खास इस आर्टिकल में था नहीं, बस इतना कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब हुआ, 30 अगस्त को। बाकी वही 6.3 करोड़ MSMEs हैं। किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। जितना भी एक्सपोर्ट होता है 45% MSMEs से आता है। फिर इंडिया की इकोनॉमी 2025 तक $5 ट्रिलियन होनी है, इसमें MSMEs का बहुत बड़ा योगदान होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक। 1 जून 2020 को MSMEs की रिवाइज हो गई डेफिनेशन। उसमें क्या था, पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए अलग अलग MSMEs की डेफिनेशन थी, बाद में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को मर्ज कर दिया गया। तो MSMEs की डेफिनेशन हो गई कैसे, माइक्रो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ तक का टर्नओवर, ये हो गई माइक्रो। 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट फिर टर्नओवर। आप देखिए, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, तो ये आ गई आप माइक्रो। फिर अगर स्मॉल की बात करें, स्मॉल में क्या होगा, 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर, ये हो गई आपकी स्मॉल। फिर मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम में था 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ तक का टर्नओवर, ये आपकी MSMEs की नई डेफिनेशन थी, जिसमें आपकी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को इंक्लूड किया गया था। बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है, MSME के डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उद्यम पोर्टल भी लॉन्च किया गया। फिर चैंपियंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
नेशनल SC ST हब भी लॉन्च किया गया। ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2018 में, इसमें कहा गया था कि भाई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जितना भी प्रोक्योर करती है उसका 4% SC ST स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज से होना चाहिए। MSME सेक्टर, इसके लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया गया, 50,000 करोड़ का फंड है, ये याद रखिएगा आप। सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जितना भी प्रोक्योरमेंट करती हैं 25% अपनी प्रोक्योरमेंट का MSME से आना चाहिए। उसमें से जो MSMEs हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, उनकी बात की जाए 4% तो SC ST की माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से आना चाहिए और 3% किससे आना चाहिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर से। तो ये अलग से याद रखिएगा, पहली बात तो 25% आपका माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से आना चाहिए, उसके बाद 4% आपका SC ST से और 3% ऐसे आना चाहिए आपका, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। फिर इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए, वर्तमान में इंडिया में कितने हैं, 102 इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत आते हैं और ये MSME से रिलेटेड जानकारी देते हैं। 102 हैं इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर। देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा भाई जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन अनाउंस किया था हर घर नल से जल मिशन के तहत, तो अगर उसको ढंग से इंप्लीमेंट करना है तो CSIR का डाटा जो है ग्राउंड वाटर मैपिंग का, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, तभी हर घर नल से जल मिशन को हम जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। CSIR NGRI, इन्हें क्या किया, हाई रेजोल्यूशन की 3D इमेजेस प्रोवाइड की 500 मीटर तक की ग्राउंड वाटर की, तो अगर ये यूटिलाइज कर लिया जाता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 2 वर्षों में जल जीवन मिशन ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, 4.5 करोड़ फैमिलीज को हेल्प किया है टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात की जाए तो इसमें एरिड एरिया 12% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, जहां पर 8 करोड़ लोग रहते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न इंडिया की बात की जाए तो 2025 तक यहां पर टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए 141 करोड़ की लागत आएगी, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया इसमें कवर होगा। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था, जल जीवन मिशन इसमें 55 लीटर पर पर्सन पर डे हर रूरल हाउस होल्ड में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है 2024 तक। अर्बन अलग से लॉन्च हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मिशन है वो जल जीवन अर्बन वाला, जल जीवन मिशन जो पूरा इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फंडिंग पैटर्न देख लीजिए आप, 90-10 है और बाकी स्टेट्स के लिए 50-50 है, 60-40 नहीं है, इतना रखिएगा। और UTs के लिए तो 100% है, UTs विदाउट असेंबलीज, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगला आर्टिकल है, वाइस प्रेसिडेंट M.V.N.Naidu जी ने कहा है भाई खादी को जो है नेशनल फैब्रिक की तरह ट्रीट करो, जैसे नेशनल गंगा, नेशनल रिवर है गंगा। वाइस प्रेसिडेंट जी ने खादी इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप पढ़ लीजिए, कुछ खास तो है नहीं। इन्होंने कहा कि अगर खादी को प्रमोट करना है तो भैया नेशनल फैब्रिक की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि खादी, इसका कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा लो होता है, क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाथ से ही बनाई जाती है खादी। उसके अलावा जब आप इसको धुलते हैं तो वाटर कंजप्शन बहुत कम होता है खादी का अदर क्लोथ्स के बेचा, तो आप ही कभी आप धुल के देखिएगा, क्योंकि ये पानी को सोख लेता है तो बार बार इसका जो मैल होता है वो आसानी से साफ हो जाता है, इसीलिए वाटर कंजप्शन कम होता है, तो कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो गया। गांधी जी ने खादी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मूवमेंट खादी आंदोलन जैसे लॉन्च कर दिया, जैसे स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आया था, 1918 में आपका खादी आंदोलन आ गया, ये देख लीजिए खादी मूवमेंट 1918 में आया, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, 1905 में स्वदेशी आंदोलन आया, तो खादी भैया नेशनल फैब्रिक तो घोषित ही हो जाना चाहिए और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। पिछले 7 वर्षों में खादी सेक्टर ने ट्रेमेंडस ग्रोथ की है। KVIC की बात करें तो खादी सेक्टर की ग्रोथ हुई 133.36% पिछले 7 वर्षों में, और जो सेल है वो 188% से भी अलग हो गई, अधिक हो गई। KVIC की बात करिए अब, KVIC एक्ट पास हुआ था 1956 में, स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1957 में, विनय कुमार सक्सेना मेरे ख्याल से इसके चेयरमैन हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ये अगला आर्टिकल है, रूरल लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट इन एड 13,385.70 करोड़ रिलीज कर दी गई है 2021-22 में रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए। अभी तक टोटल ग्रांट कितनी गई है,
25,129.98 करोड़ दे दी गई है। और पिछले आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, यानी पिछले वीडियोज में टाइड ग्रांट अनटाइड ग्रांट वो पढ़ चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 25 राज्यों में रूरल लोकल बॉडीज के लिए 13,385.70 करोड़ ग्रांट दे दी है। ये टाइड ग्रांट के तहत फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, टाइड ग्रांट आप देख लीजिए, दो सेक्शन में ये लोग खर्च कर सकते हैं। पहला सैनिटेशन मेंटेनेंस ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, दूसरा सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रेन हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग। ये दो सेक्टर हैं जहां पर आप टाइड ग्रांट खर्च कर सकते हैं एज पर 15 फाइनेंस कमीशन। टोटल ग्रांट इन एड जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी उसमें से 60% टाइड ग्रांट है, 40% अनटाइड ग्रांट है। ये मैंने बताया था अनटाइड ग्रांट, ये देख लीजिए सैलरीज को छोड़ के बाकी सबके लिए यूज की जा सकती है अनटाइड ग्रांट। फिनांस कमीशन पिछली बार बढ़ाया था, इस बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 280 संविधान के आर्टिकल 280 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर 5 वर्ष पे या उससे पहले फिनांस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट द्वारा। फर्स्ट फिनांस कमीशन 1951 में स्थापित हुआ था, अभी तो 15 हो चुके हैं। फर्स्ट फिनांस कमीशन के हेड थे केसी नियोगी थे। 15 कौन थे, एन के सिंह। 27 नवंबर 2017 को बनाया ये वाला फिनांस कमीशन। फिर यूनियन कैबिनेट ने कहा इसका टर्म एक्सटेंड कर दिया 15 फिनांस कमीशन का, क्यों, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गए। तो पहले फिनांस कमीशन ने 1 वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट दी कि भाई 1 वर्ष के लिए इतना होना चाहिए, फिर उन्होंने जाके 5 वर्ष के लिए दी। तो 2025-26 तक के लिए फिनांस कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी है, और सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, जय।